हाय दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से गुवाहाटी में हम लोगों ने क्रिसमस की नाइट को सेलिब्रेट किया। तो वीडियो की शुरुआत में आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम लोग गए थे सिटी सेंटर मॉल में, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक क्रिसमस ट्री लगाया गया था। एंड वैसे मेजोरिटी हमारे आसाम में ऐसा है कि ज़्यादा क्रिश्चियन की मेजोरिटी है नहीं, तो यहाँ पर फिर भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड उसके चलते क्या हुआ था कि यहाँ पर सेल्फी लेने वाले लोग बहुत आए हुए थे, मतलब देख के मतलब पूरा सर चकरा रहा था, पैर रखने तक की जगह नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा भीड़ था यहाँ पर। तो जब भीड़ देख के जब बहुत ज़्यादा बोर हो गए, तब उसके बाद सोचा कि चलो यार क्लबिंग करते हैं। तो मैंने अपने हॉर्नबिल वाले विकास भाई को कॉल किया, एंड मेरा एक और फ्रेंड है दीप, उसको भी मैंने कॉल किया। बस एक जगह मिलने की सोची हम लोगों ने आज रात को क्लबिंग करने के लिए। अब माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए, क्योंकि क्रिसमस नाइट था। तो यहाँ पर गुवाहाटी में ज़बरदस्त क्लबिंग चलती है, लेकिन उसके अलावा एंट्री फ़ी भी होता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा होता है, कहीं 500 कहीं 1000। एंड तीन लोगों के लिए इतना ज़्यादा देना मतलब क्वाइट पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए भी। तब मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि अपने डीजे वाले दोस्त को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि भाई तू आज कहाँ बजा रहा है। तब उसने मुझे बताया कि इस फलाना जगह में मैं आज बजा रहा हूँ। तो बस उसने वहाँ पर हमें फ्री एंट्री दिलाई और हम पहुँच गए वहाँ पर। तो जब हम अंदर गए, उसके बाद मैंने जब इधर उधर का हाल देखा, मैंने डीजे वाले भाई को पूछा, यार भाई क्रिसमस की नाइट है, क्या हाल है भाई, कोई तो है ही नहीं यहाँ पर नाचने के लिए हमारे साथ में। तो वो बताता है कि भाई अभी तो बस 8 बजा है, 10 बजे तक रुको, पूरा फ्लोर फिल हो जाएगा। तब तक हम लोगों ने भी सोचा यार खुद के लिए कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो वैसे तो हमारा थोड़ा बहुत पीने का मन था, लेकिन हमारे CM सर ने यहाँ पर एक कानून लगा दिया, ड्रिंक एंड ड्राइव अगर करोगे तो 10,000 रुपये का फाइन है, लाइसेंस 6 महीने के लिए कट जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई अपना कटाने से अच्छा है कि कुछ ना कटाएं। तो बस एक रेडबुल मैंने अपने लिए ऑर्डर किया, एंड विकास भाई पीने वाला था जूस, एंड हम रुके हुए थे दीप के लिए। थोड़ी देर में दीप भी आ जाता है, उसके लिए हम लोग बियर ऑर्डर करते हैं। बस उसके बाद धीरे धीरे जैसे माहौल एकदम जमने लगा, हम धीरे धीरे पहुंच गए डांस फ्लोर की और म्यूजिक की बीट्स में थिरकते हुए। वैसे तो गुवाहाटी 3-tier city है, लेकिन यहाँ पर लोगों को डांस ये सब करना बहुत पसंद है, यहाँ पे म्यूजिक पे नाचना पसंद है लोगों को, यहाँ पे क्लबिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को। वैसे तो मुझे नाचना आता है नहीं, क्योंकि मैं बचपन से कभी इस तरीके से नाचा नहीं हूँ, बट अपने डीजे वाले बाबू ने जो म्यूज़िक बजाया ना, बहुत ही मज़ा आया उधर पे। एंड साथ में एनवायरनमेंट देख के मतलब ऐसा होता है ना कि खुद ब खुद नाचने का मन करता है, भले ही नाचना ना आता हो। बस ठीक है, हमने भी शुरू कर दिए थोड़े बहुत बीट धीरे 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 धीरे। बस थोड़ी देर बाद अपने डीजे वाले बाबू का शो खत्म हो गया, उसके बाद हम चले गए उसके साथ में किसी और बार में, किसी और डिस्को में। तो वहाँ पर हमने फिर नाचना शुरू किया। एक्चुअली में हम तीनों का प्लान था कि आज बस नाचेंगे मज़े करेंगे और कुछ नहीं। तो आखिर में हम लोग जिस बार में गए वहाँ पर ऐसा हो गया हमारे साथ में कि भाई नाच तो रहे हैं, लेकिन मैं जब नाच रहा था मेरे साथ में क्या हादसा हो गया कि मैं नाचते नाचते मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, जिसके वजह से मैं और नाच नहीं पाया, एक कोने में जाके बस बैठ के मैं देख रहा था। तो इस तरह से डांस एंड छोटे मोटे ड्रिंक्स, उसके बीच में हम तीनों फ्रेंड्स ने अपनी क्रिसमस नाइट गुजारी एक्चुअली में। लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ कि यार अगर हमें नाचने का ही मन है तो उसके लिए हमें म्यूज़िक चाहिए होता है, ड्रिंक्स की ज़रूरत नहीं होती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे असम गवर्नमेंट ने इस तरीके का कानून दिया था कि 10,000 रुपये का फ़ाइन है, अदरवाइज़ क्या पता मैं कुछ पी के मैं रात को चला रहा होता, क्या पता मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता था। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर डैट। बाय द वे, अगर आप इस वीडियो को थंबनेल देख के आए हैं तो मैं आपको बता दूं यार, फोटो में जो है मैं उनका वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता, थोड़ी प्राइवेसी की भी बात होती है। कल को उनके पेरेंट्स अगर देख लेते हैं इस वीडियो को तो सोचेंगे भैया पढ़ने के लिए भेजा था या फिर जॉब करने के लिए भेजा था, पता नहीं क्या कर रही है लोग क्लब में। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों की भी क्रिसमस बहुत अच्छी गुजरी होगी, एंड मैरी क्रिसमस, एक्चुअली में बिलेटेड मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के वीडियो बनाते रहूं तो वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड साथ ही में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे इस तरीके के वीडियो और बनाने चाहिए।
तो बाय बाय मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और समय में। Thank you.